जी माननीय सभापति जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के गौरवशाली 10 वर्षों के कार्य का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उससे आज सारा देश गौरवान्वित है। गरीब, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर सशक्त योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है, जिससे न केवल सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर आमूलचूल सुधार हुआ है, बल्कि करोड़ देशवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के ध्येय पर चल रही मोदी सरकार के समाज के हर वर्ग को उचित अवसर प्रदान करने में जुटी हुई है। माननीय सभापति जी, सरकार की मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट एवं मेक इन इंडिया योजनाएं एम ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। ऐसी योजनाओं के कारण आज भारत के युवाओं के स्टार्टअप्स की पूरे विश्व में धूम मची हुई है। आज भारत के 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। देश का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। माननीय सभापति जी, आज भारत की महिलाएं सशक्त भी हो रही है एवं आत्मनिर्भर भी बन रही है। भारत की नारी लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है और व्यवसाय भी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं। यह गर्व का विषय है कि मुद्रा लोन योजना के 46 करोड़ लाभार्थियों में से 31 करोड़ महिलाएं हैं। माननीय सभापति जी, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच एवं मजबूत निर्णय का ही परिणाम है कि वर्षों से लंबित महिला आरक्षण अधिनियम को इसी नए संसद भवन में पारित करके महिलाओं का वंदन एवं अभिनंदन किया है। अब वो दिन दूर नहीं जब 33% महिला बहनें देश की संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी। आज माननीय सभापति जी, आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि सीधी किसानों के खाते में पहुंच रही है। एक दिन वो था जब प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे जाते जाते 15 पैसा रह जाता है, और आज मोदी की सरकार ये है कि वो 1 रुपया भेजती है डिजिटल के माध्यम से, उसके खाते में 1 रुपया सीधा का सीधा जाकर पहुंचता है। और अब तक करीब 2,80,000 करोड़ रुपये किसान भाइयों के सम्मान निधि के माध्यम से मिल चुके हैं। एक समय था जब यूरिया के लिए लाइनें लगा करती थी, अब किसानों को नैनो यूरिया मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि निर्यात पर नीति, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर एवं 8,000 किसान उत्पादक संघ FPO बनाकर देश के अन्नदाता को मजबूत करने का कार्य किया गया है। आज किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी पैदावार भी बढ़ रही है और आमदनी भी बढ़ रही है। माननीय सभापति जी, ये पार्टी माननीय मोदी सरकार गरीब को गणेश मानकर कार्य कर रही है। यह सरकार आज 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन प्रदान कर रही है। आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 4 करोड़ 10 लाख परिवारों को पक्के मकान मिलने का काम हुआ है, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिलने का काम हुआ है, पहली बार लगभग 11 करोड़ गरीब परिवारों को घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी मिलने का काम हो रहा है, देश में 11 करोड़ शौचालय बनने का काम इस मोदी सरकार में हुआ है, और सबसे बड़ी बात, आज जिस प्रकार से जो पहले गरीबी हटाओ के नारे दिया करते थे, आज गरीबी रेखा से ऊपर 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के इस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्षों में
पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया गया है। पर्यटन क्षेत्र के में जो वृद्धि हो रही है, इससे भारत की साख बढ़ी है और दुनिया का हर व्यक्ति भारत को देखना, जानना एवं समझना चाहता है। घरेलू पर्यटन आज देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर के रूप में उभर कर आ रहा है, जिसका उदाहरण हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लक्षद्वीप एवं गुलाबी नगरी जयपुर के दौरे को देखने उसे मिलता है। माननीय सभापति महोदय, ये एक मेक इन इंडिया योजना एवं PLI योजना का ही एक नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत हथियार के आयात से हथियारों के निर्यातक बन गया है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल एवं तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। ये भारत की कुशल रक्षा नीति का ही परिणाम है कि आज विश्व की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। ये मोदी जी के सपनों का नया भारत है जो अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। माननीय सभापति जी, मोदी सरकार के ने बीते 10 वर्षों में लाल चौक से लेकर चंद्रमा तक तिरंगा फहराने का काम किया है। आज भारत की छवि विश्व पटल पर भी उभर रही है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम इस गति से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कार्ति चिदंबरम जी। बिफोर आई गो टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस,